अगर तुझे अपनी जिंदगी प्यारी है तो मेरा पीछा करने की मैं एक शरणार्थी हूं, मैं तुम्हारी शरण में आया हूं। शरणार्थी? हाँ, शरणार्थी को शरण देना ये भारतीय संस्कृति है, इसलिए तुम जाकर इस दीवार के पीछे छुप जाओ। आज तुम्हें कोई भी अरेस्ट नहीं कर सकता है, जाओ। बहुत अच्छा है, जुबान दिया है, वह मेरे सपने में आया है। आज मेरे रहते हुए उसे कोई भी होश नहीं है कि तुम किससे बात कर रही हो। मैं चल रहा हूं, देखते हो किसमें ताकत की, आकर के उस कमीने को बचा। मैं चल रहा हूं। देवी जी, मैं इस एहसान का बदला कभी नहीं चुका पाऊंगा। निकल जाओ यहां से। तुमने मुझे शरण दिया, मैं जा रहा हूं। तूने क्या किया? अपराधी की जान बचाने के लिए
तूने अपने शौहर पर गोली चला दिया। अपराधी नहीं आका, बल्कि वो एक शरण में आया हुआ शरणार्थी था। लेकिन मैंने आज तक किसी को नहीं देखा कि किसी भी पत्नी ने अपने पति के ऊपर गोली चलाई हो। आप भूलते हैं आका, आप भूलते हैं इतिहास का वो नवीन पन्ना पलट कर देखिए। जब आजाद हिंद फौज अपनी आजादी के लिए अंग्रेजों से लड़ रही थी, उस समय नेता सुभाष चंद्र बोस की जान बचाने के लिए मीरा मल्लक ने अपने पद सीआईडी इंस्पेक्टर चितरंजन दास को गोली मारकर खत्म कर दिया था। मैंने तो सिर्फ आपका एक हाथ ही जख्मी किया है आका। सितारा, कानून कानून होता है, कानून सबके लिए बराबर होता है, कानून के सामने अपना पाप क्यों ना हो उसे भी नहीं छोड़ा जा सकता। मुझसे रमजान क्या देखते हो, हथकड़ी लगा लो इसको। और सुनो, इसे हर कैदियों की तरह जैसे 24 घंटे खाना और पानी उनको नहीं दिया जाता, उसी तरह इसे भी कुछ नहीं दिया जाएगा। ठीक है, मेरी बातों को ध्यान में रखना। लेकर के जाओ। सितारा, आज तुमने वो करके दिखा दिया है, एक इतिहास को दोहरा रही हो तुम। मैं इतिहास के आगे तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं था। ठीक है, क्या सर, हमने सितारों को 5 नंबर में बंद कर दिया। 5 नंबर में? जी सर। ऐसा करो, खाना वाना कुछ नहीं, गाड़ी गाड़ी अपनी लेकर के ले चलो मुझे अस्पताल। हाँ सर, पहले आपका इलाज कर लीजिए। ठीक है सर, चलिए ले चलिए। आज हम जश्न मनाएंगे और सरदार की चिता में अग्नि भी लगाएंगे। नहीं सरदार, नहीं, ना तो जश्न मनाया जाएगा और ना ही चिता में अग्नि लगेगी। सरदार जी, ना ही जश्न मनाया जाएगा और ना तो सरदार के चिता में अग्नि। लेकिन क्यों साथी, क्यों नहीं जश्न मनाया जाएगा? बात क्या है? मैं बता रहा हूं, तुमको ये नहीं पता है कि जिसने तुम्हारी जान बचाई है वो कौन है? मेरी जान? हाँ हाँ, अरे हाँ, उस दिन जिस दिन पुलिस मेरा पीछा किया था। हाँ सरदार जी, हाँ किया है बहुत नेक काम। उसने मुझे छुपने के लिए जगह दिया था। तो सरदार जी सोचिए, तो वो कौन है? वो मैं बता रहा हूँ सरदार जी की, वो कौन है? वो सितारा है, तुम्हारी बहन, दिलावर चचा की बेटी। सितारा? हाँ हाँ। अरे सितारा, वो दिलावर चचा की बेटी? नहीं, मेरे साथ ही मैं उसके उसके पास जाकर उसे पहचान न सका। और दूसरी बात सरदार जी, आपने ये भी नहीं जान सके कि मैं किस लड़के का कत्ल किया, ये भी नहीं जान सके हाँ किसके लड़के का खून किया है। खून खून तो मैंने उस कमीने विक्रम सिंह के बेटे को किया था। नहीं सरदार जी, नहीं नहीं, जिसका तूने खून किया था
वो कोई दूसरा नहीं है। फिर कौन है? वो तुम्हारा भांजा है, सितारा का बेटा। क्या? मेरा भांजा? हाँ सरदार जी, सितारा का बेटा। सितारा के बेटा भी था? हाँ सरदार जी, ये सब मैं जाकर के पता लगा करके तो आ रहा हूँ। नहीं नहीं, मेरे चाचा ये मैंने क्या किया? ये मैंने क्या किया कि जिस बहन को मैंने इस राखी के धागे का वचन दिया था कि बहन सितारा मैं तेरी जान की रक्षा करूंगा, तुझे कभी कष्ट नहीं होने पाएगा, लेकिन आज इसे ये मैंने क्या कर डाला? क्या कर डाला? नहीं, मेरे साथी क्या बात है? तू ये काम करेगा? कौन सा काम? सबसे पहले तू माँ भवानी की कसम खा कि सरदार तुम जो कुछ कहोगे वो मैं करने के लिए तैयार हूं। ठीक है सरदार जी, अगर तुम कह रहे हो तो मैं माँ भवानी की कसम खा के कहता हूं कि जो तुम कहोगे वो मैं करने के लिए तैयार हूं। तो ठीक है मेरे साथी, चल चल, मेरे ये हाथ की उंगलियां काट कर अलग कर दे, क्योंकि मेरे इन्हीं हाथों की नापाक उंगलियों ने बंदूक का धागा दबाकर मेरे भांजे रशीद का खून किया है, इसलिए मैं अपने इन हाथों की उंगलियों को देखना नहीं चाहता। सरदार जी आप क्या कह रहे हैं? मैं ठीक कहता हूँ मेरे दोस्त। चल ठीक है सरदार जी, तुमने मुझे मजबूर कर दिया और माँ भवानी की मैंने सौगंध खाया, इसलिए मुझे मजबूरन आपकी उंगलियां काटना पड़ा। बहुत बड़ा पाप किया है इन हाथों की उंगलियों ने। चल पकड़ मेरा हाथ, चल चट्टान पे रखकर अलग कर दे। क्या बात है सर? आज से जी इसको खाना और पानी दिया जाएगा। ठीक है, आज से दिया जाएगा। ठीक है, ठीक। और सुनो, ले जाओ इसको
दूसरे वाले बंद करो। ठीक है सर, जाओ ले जाओ। मौके पर हाजिर नहीं रहते हो, बताइए सर कहाँ थे अभी तक, कहाँ थे अभी तक? ड्यूटी पे। देवान साहब कहाँ हैं? उनको बोलो। देवान साहब के दौड़ा है। क्या बोलता है? दौड़ा पे, दौड़ा पे। और कह क्या रहा है? देवान साहब दिमाग क्या रहा है सर? देवान जी सहिबान का जूस दे दी। क्या? वही मौसमी का जूस। चलो कोई बात नहीं, मैंने कहा था ना कि खाने पीने के लिए आज के बाद देना। ठीक 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 है, कोई बात नहीं। ठीक है ठीक है। और सुनो, सावधानी उसी तरह होनी चाहिए। ठीक है सर। जैसे थी जी, इसलिए कि ऊपर से मुझे बहुत फोन आता है। अच्छा सर, कि जग्गा सिंह को गिरफ्तार करना है। ठीक है ठीक है। अबे ऊपर तरह की क्या बात करता है? फोन फोन होता है, ऊपर से क्या आसमान से आता है क्या? जो अपने ऊपर के अधिकारी हैं वो लोग डंडा करते हैं ना, इसलिए कौन? जग्गा सिंह आओ आओ आओ। जग्गा नहीं इंस्पेक्टर बल्कि जगत कहो। जगत? जग्गा तो तुम्हारी पहली जंग में मारा गया था। अच्छा हाँ इंस्पेक्टर, लेकिन तुम यहाँ क्या करने आए? करने यही आया हूँ इंस्पेक्टर कि अभी तक मेरी प्रतिज्ञा अधूरी है। प्रतिज्ञा? कैसी प्रतिज्ञा है तुम्हारी? प्रतिज्ञा ये है इंस्पेक्टर कि मैं अपने आप को आपके हवाले करने आया हूँ। हवाले करने आया हूँ? हाँ इंस्पेक्टर। वो किस लिए? वो इसलिए, वो इसलिए कि आप जिस लड़की को अपने कैद खाने में बंद कर रखे हो उस लड़की को छोड़ दो और मेरे हाथों में हथकड़ी डाल कर उस जेल की काली कोठरी में डाल दो। मैं उसको छोड़ दूं और तुम्हें जेल में डाल दूं? हाँ इंस्पेक्टर। इसका क्या मतलब है इंस्पेक्टर? इसका मतलब कि वो सितारा जो है वो मेरी बहन है। तुम्हारी बहन है? हाँ इंस्पेक्टर। मैं कैसे यकीन करूं कि तुम्हारी बहन है? इंस्पेक्टर साहब ये बहुत बड़ी कहानी है। क्या कहानी है तुम्हारी? जल्दी बयां करो। हाँ जरूर बयां करूंगा इंस्पेक्टर साहब। मैं, मेरा नाम जगत है, मैं एक ब्राह्मण हूँ। अच्छा। एक दिन की कहानी है कि मैं अपने दरवाजे पे बैठा रो रहा था। पूछो वो किस लिए? वो इसलिए कि राखी का त्योहार था, सब बहनें अपने भाइयों के हाथों में राखी का धागा बांधती थी और मेरी कोई बहन नहीं थी। यही सोचकर मैं दरवाजे पे बैठा रो रहा था कि आज मेरे भी कोई बहन होती
तो मेरे हाथों में राखी का धागा मांगती। अच्छा, उसी रास्ते से सितारा अपने चचा जान को खाना लेकर जा रही थी खेतों में। अच्छा अच्छा, वो मुझे रोता देख मुझसे पूछ पड़ी कि जगत क्यों रो रहे हो। मैंने उससे यही कहा तो उसने कहा कि भैया रोना बंद करो, मैं तुम्हारे हाथों में राखी का धागा बांधूंगी। अच्छा, राखी वो राखी तो नहीं थी बाजार में बिकने वाली, लेकिन उसने अपने दुपट्टे से दो सूत धागा निकालकर मेरी सुनी कलाई में बांध दिया। उस दिन से मैंने उसे अपनी धर्म की बहन बना लिया और उसने मुझे भाई। फिर क्या हुआ? उसके बाद वो अपने चाचा जान को खाना देकर घर वापस आ रही थी। तो क्या हुआ? उसके बाद हुआ क्या? ठाकुर विक्रम सिंह के गुंडे उसे रास्ते में उठा लिया और उठाकर उस जगह ले गए जहां पे ठाकुर विक्रम सिंह हर मां बहनों की इज्जत से खेला करता था। उस कमीने की ये मजाल। हाँ, उसके बाद मैं अपने बापू के इलाज के लिए दवा लाने जा रहा था। तो क्या हुआ? रास्ते में एक मेरा दोस्त था जिसका नाम महेश था, वो दौड़ता हुआ आया, मुझसे बताया कि भैया जगत तुम जिसे अपनी धर्म की बहन बनाया उसे ठाकुर विक्रम सिंह के गुंडे उठाकर ले जा रहे हैं। मैं उस समय दवा लेने नहीं गया बल्कि महेश को भेज दिया, अपने हाथों में लठ लेकर उस कमीने की हवेली में गया। ठाकुर विक्रम सिंह की हमारी और ठाकुर विक्रम सिंह की घमासान की लठबाजी हुई। फिर क्या हुआ? लेकिन उस समय उस कमीने ने मुझसे माफी मांगा कि जगत तुम मुझे माफ कर दो, अब आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं होगी। मैंने उसे माफ कर दिया। लेकिन ये बताओ, ये तुम्हारे हाथ कटे कैसे? इंस्पेक्टर साहब, क्या ये मेरे हाथ कैसे कटे तुम नहीं जानते हो? कैसे कटे? ये हाथ कटे नहीं बल्कि इन हाथों की उंगलियों को मैंने काट कर अलग कर दिया। वो किस लिए? वो इसलिए कि इन हाथों की उंगलियों ने बंदूक का टाइगर दबाकर मेरे भांजे रशीद का खून किया था। भांजे रशीद का खून किया था? हाँ इंस्पेक्टर। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी बातों को सुन चुका हूँ, लेकिन पुलिस इतनी मूर्ख नहीं होती है जितना कि तुम समझ रहे हो। मैं इस असलियत का पता लगाऊंगा। ठीक है ठीक है इंस्पेक्टर, क्या पता लगाएंगे? दीवान साहब, ऐसा करो जाओ तुम सितारा को लेकर के आओ। आइए इधर आइए। सितारा, आका, आज मैंने एक मुलजिम को गिरफ्तार किया है और वो थाने में बयान दे रहा है। क्या? कि मैं सितारा को अच्छी तरह से जानता हूँ, तो तुम उस जगह को देखकर बताइए कि उसका तुम्हारे क्या रिश्ता है। कौन है वो? पहचान कर बता सकती हो? बेशक। ठीक है, भाई जगत। कौन है? हाँ बहन, भैया मेरी बहन सितारा। भैया जगत, बहन ये तुम्हारा हाथ कैसे कट गया भैया?
ये मत पूछ मेरी बहन कि मेरे हाथ क्यों कटे, इन हाथों की उंगलियों को मैं काट कर क्यों अलग कर दिया। क्या कर दिया भैया? इसलिए बहन कि इन हाथों की उंगलियों ने बंदूक का टाइगर दबाकर मेरे हाथ से रसीद का खून किया था। हाँ बहन, मैं ठीक कहता हूँ। जगत, तुम इंसान नहीं बल्कि एक देवता हो। नहीं डॉक्टर साहब, नहीं, देवता मैं नहीं, देवता तो मेरी बहन और बहनोई है जिन्होंने अपना फूल जैसा बेटा, फूल जैसा बेटा कमा कर मेरे जान की रक्षा किया। ठीक है जगत, तुम ठीक कहते हो। आज तक मैं उस कमीने के भावों में मुब्तला रहा, उसने मेरी भी खुशियों को लूटा है, इसलिए उस कमीने को आज मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दीवान साहब जाओ, उस कमीने विक्रम सिंह को घसीटते हुए लेकर के आओ। हेलो, हाँ धर्मराज, धर्मराज भाई ये देवनवासी है, घर मालिक को 200 रुपए व्यवहार दे रहे और आगे रमेश और नरेश देहवा निवासी है, घर मालिक को 100 रुपए व्यवहार दे रहे। क्या तुम्हें पता है यह हथकड़ी क्यों लगाई गई है? यही बात तो हम भी सोच रहा हूँ इंस्पेक्टर साहब। की बात क्या है कि जैसे हमारे हवेली पहुंचे आपके सिपाही, तुरंत हाथों में हथकड़ी लगा लिया, बताया कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं ना, मैं बता रहा हूँ। हाँ बताएंगे तभी तो बताऊंगा। मैंने जगत को गिरफ्तार किया है और वो थाने में बयान दे रहा है। कैसा बयान? बयान नहीं दे रहा है कि मैं रात को डकैती करता हूँ और दिन में ठाकुर विक्रम सिंह के मकान में शरण लेता हूँ। तो इसका मतलब आप एक डकैत को शरण देते हैं? ऐसा नहीं, ये सरासर झूठ है इंस्पेक्टर साहब। झूठ है? अगर झूठ है तो देख कर बताओ कौन है वो। चौकीदार, ये डंडा पार रखे, मुझे डर लगता है। विक्रम सिंह, पहचान कर बताओ कौन है। जगत कमीने ठाकुर, तू क्या पहचानेगा मुझे? मुझे बर्बाद करने वाला तो तू है कमीने। अरे तूने तो मेरी बहन का भी घर बर्बाद कर दिया कमीने। मैं तेरा बेटा समझकर अपनी बहन के बच्चे को मार दिया कमीने, मैं तुझे चिंता। भैया बहना, अब तुम कहीं नहीं जाओगे, मेरे यहां रहोगे। बहुत अच्छा है बहन, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, अब तेरे ही यहां रहूंगा। इसलिए कि कितने दिन से मैं तरसती रही तुम्हारे हाथों में राखी का धागा बांधने के लिए। क्यों नहीं बहन? हाँ बहन, और बंधा हुआ है इस